गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट, स्ट्रक्चर ऑफ एटम के लेक्चर नंबर 11 में आज हम बात करेंगे डी ब्रोगली वेवलेंथ की और हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल्स। तो आज का हमारा पहला टॉपिक होगा डी ब्रोगली प्रिंसिपल या डी ब्रोगली वेवलेंथ, जो आज हमें कैलकुलेट करना है। देखिए, अभी तक है ना, मैक्सिमम 19th सेंचुरी तक बात करते थे पार्टिकल नेचर ऑफ मैटर की। यहां पर हम पार्टिकल के साथ साथ वेव नेचर भी होता है मैटर का, उसको एक्सप्लेन करने के लिए सबसे पहले जो आए थे साइंटिस्ट वो थे डी ब्रोगली, फिर हाइजेनबर्ग, श्रोडिंगर, इन सब ने मिलकर ये चीज समझा दी कि जो पार्टिकल है ना उसका वेव नेचर भी होगा और पार्टिकल नेचर भी होगा। तो सबसे पहले बात करते हैं हम डी ब्रोगली थ्योरी की ऑफ मैटर ऑफ वेव्स। डी ब्रोगली का थ्योरी क्या है, सबसे पहले हम डी ब्रोगली की बात कर लेते हैं। डी ब्रोगली प्रपोज दैट ऑल माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स लाइक इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स मूविंग विद हाई वेलोसिटीज आर एसोसिएटेड विद वेव नेचर। कि उनका कौन सा नेचर होता है, वेव नेचर होता है। यानी जो मैटर था उसका दो टाइप का नेचर है, एक पार्टिकल नेचर और दूसरा वेव नेचर। तो यहां पर दोनों ही नेचर एक साथ जो डिस्कस किए वो था डी ब्रोगली। द वेवलेंथ एसोसिएटेड विद ए पार्टिकल इज गिवन बाय, वेवलेंथ अगर आपको देना है तो लैम्डा इक्वल्स टू क्या हो गया, एच बाई एम वी या एच बाई पी। पी क्या होता है, मोमेंटम। मोमेंटम क्या बताता है बच्चों, उसका पार्टिकल नेचर, जबकि लैम्डा क्या बताता है, उसका वेव नेचर, है ना। मैंने आपको बोला ना मैटर का दो टाइप का नेचर है, एक पार्टिकल नेचर और दूसरा वेव नेचर। तो लैम्डा वेवलेंथ क्या बता रहा है, उसके वेव नेचर को बताता है। किसको बताता है, वेव नेचर को बताता है, जबकि मोमेंटम किसको बताता है, उसके पार्टिकल नेचर को समझाता है कि मैटर जो है वो पार्टिकल नेचर का है। तो दोनों ही नेचर एक साथ कहां होते हैं, वो डिस्कवरी किया, वो स्टडी किया डी ब्रोगली ने। डी ब्रोगली ने क्या किया, एक बड़ा सा इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोस्कोप यूज किया इसमें, जिसमें किसी भी चीज को 150 लेख टाइम्स या 15 मिलियन टाइम चीजों को इनलार्ज करके देख सकते थे। और वहां पर उन्होंने इन छोटे पार्टिकल्स जस्ट लाइक इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, एटम्स, मॉलिक्यूल्स, इनका स्टडी करके समझा दिया कि इनका ड्यूअल बिहेवियर होता है, दे हैविंग वेव नेचर एज वेल एज पार्टिकल नेचर। देखो ये फॉर्मूला आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, लैम्डा इक्वल्स टू एच बाई एम वी, या एम क्या है मास ऑफ पार्टिकल, वी क्या है वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल्स, एंड पी क्या है मोमेंटम ऑफ पार्टिकल। ओके, समझ में आ जाएगा बच्चों, सिंपल सा फॉर्मूला है, फॉर्मूले पे बेस्ड क्वेश्चन आपको मिल रहा है। फर्स्ट क्वेश्चन है आज का एग्जांपल नंबर 1। एन इलेक्ट्रॉन इज मूविंग विद काइनेटिक एनर्जी 4.55 × 10⁻²⁵ जूल, कैलकुलेट्स इज डी ब्रोगली वेवलेंथ। डी ब्रोगली वेवलेंथ आपको कैलकुलेट करना है। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज गिवन हियर 9.1 × 10⁻³⁻ किलोग्राम। जैसा कि बच्चों आपको पता है, आपको वेवलेंथ कैलकुलेट करना है तो लैम्डा इक्वल्स टू क्या होता है, एच अपॉन एन। आपको लैम्डा तो कैलकुलेट करना है, एच प्लैंक कांस्टेंट आपके पास है, मास आपके पास है, पहले आपको वी वेलोसिटी लाना पड़ेगा। तो काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू क्या होता है, हाफ एम वी स्क्वायर। तो काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू है, एम की वैल्यू भी है, तो वी स्क्वायर कैलकुलेट कर लेंगे, और वी स्क्वायर से क्या लाएंगे वी, और वो वी को यहां पुट कर देंगे, तो आपको क्या मिल जाएगा बच्चों, डी ब्रोगली वेवलेंथ। देख लेते हैं इसको सॉल्व करके, यही कॉन्सेप्ट आपको यूटिलाइज करना है। आपको यहां वेवलेंथ जो मिल रहा है 728.6 नैनोमीटर, कैसे आएगा बच्चों वो देख लेते हैं। देखो आपके पास वही फॉर्मूला आ गया, काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू हाफ एम वी स्क्वायर। अब काइनेटिक एनर्जी का वैल्यू है आपके पास, एम का वैल्यू है,
सबसे पहले वी स्क्वायर फाइंड करो, तो आपने वैल्यू पुट किया, काइनेटिक एनर्जी का वैल्यू आपको दिया गया है ना, एम का वैल्यू भी आपको दिया गया है, तो आपको वी स्क्वायर कैलकुलेट करना है। जब आपको वी स्क्वायर आ जाएगा तो उसका अंडर रूट करोगे तो वी मिल जाएगा, तो वी कितना आया बच्चों आपके पास इसको सोल्व करने के बाद, 998 मीटर पर सेकंड। जब आपके पास वी आ गया तो आपके पास डी ब्रोगली वेवलेंथ का फॉर्मूला लैम्डा इक्वल्स टू एच अपॉन एम वी, आपके पास लैम्डा फाइंड करना है, एच प्लैंक कांस्टेंट है, एम है, वी है, सारी वैल्यू पुट कर देंगे। ये आपने किसका वैल्यू रखा बच्चों, एच का 6.625 इंटू 10^-34, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 9.11 इंटू 10^-31, और वी वेलोसिटी कितना दिया गया आपको 998। सारी वैल्यू पुट करके सोल्व करेंगे तो हमें एग्जैक्टली आंसर आ जाएगा 7.286 इंटू 10^-7 मीटर। अगर नैनोमीटर में करना हो तो 728.6 नैनोमीटर इज एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर। समझ में आ जाएगा बच्चों, फॉर्मूले में आपको वैल्यू पुट करनी है, बट यहाँ दो स्टेप में होगा, पहली स्टेप में आपको वेलोसिटी कैलकुलेट करना है, सेकंड स्टेप में आपको सारी वैल्यूज पुट करना है, तो आपको लैम्डा जो है डी ब्रोगली वेवलेंथ वो मिल जाएगा। क्लियर है? नेक्स्ट एग्जांपल है हमारा एग्जांपल नंबर 2। ए बीम ऑफ अल्फा पार्टिकल्स, ए बीम ऑफ अल्फा पार्टिकल्स मूव विद द वेलोसिटी ऑफ 4.5 इंटू 10^3 मीटर पर सेकंड। देखो आपको वी वेलोसिटी दिया गया है, कैलकुलेट द डी ब्रोगली वेवलेंथ ऑफ अल्फा पार्टिकल्स। इसमें आपको मास ऑफ प्रोटॉन दिया है 1.672 इंटू 10^-27 किलोग्राम, मास ऑफ न्यूट्रॉन दिया है 1.675 इंटू 10^-27 kg। आपको क्या फाइंड करना है बच्चों, लैम्डा, लैम्डा इक्वल्स टू क्या होता है, एच अपॉन डी। देखिए ये आपको कैलकुलेट करना है, एच प्लैंक कांस्टेंट सभी जानते हैं 6.625 इंटू 10^-34 होगा, वी वेलोसिटी आपको दिया गया है 4.5 इंटू 10^3 मीटर पर सेकंड। अब आपको मास चाहिए और उसके लिए आपको प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का मास दिया गया है, तो पहले तो अल्फा पार्टिकल का मास कैलकुलेट करेंगे और वो मास यहाँ पर रख देंगे, राइट। तो पहले अल्फा पार्टिकल में दो प्रोटॉन होंगे, दो न्यूट्रॉन होंगे, तो उसके बिहाफ पे आप पहले उसका मास कैलकुलेट कीजिए और फिर फॉर्मूले में पुट कर दीजिए। देखो आप यहाँ पर मास ऑफ अल्फा पार्टिकल, अल्फा पार्टिकल का मास निकालना है, तो अल्फा पार्टिकल के अंदर 2 क्या होंगे, प्रोटॉन, और 2 ही क्या होंगे, न्यूट्रॉन। तो एक प्रोटॉन का मास कितना होता है, ये 1.672 इंटू 10^-27, तो उसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे क्योंकि अल्फा में 2 तो प्रोटॉन है और 2 ही न्यूट्रॉन है, तो न्यूट्रॉन के मास को भी 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, फिर दोनों को ऐड कर दिया हमने, तो ये आपको किसका मास मिल गया बच्चों, अल्फा पार्टिकल का 6.694 इंटू 10^-27 किलोग्राम इज द वेट ऑफ अल्फा पार्टिकल। अब बस आपने डी ब्रोगली वेवलेंथ का फॉर्मूला लगा दिया, लैम्डा इक्वल्स टू एच अपॉन एम वी से, तो लैम्डा इक्वल्स टू एच अपॉन एम वी से एच प्लैंक कांस्टेंट की वैल्यू पता है, पुट कर दिया, मास आपको अभी भी कैलकुलेट किया था पुट कर दिया, वी वेलोसिटी आपको क्वेश्चन में दिया गया पुट किया, सारी वैल्यूज पुट कर दी, तो जब इनको सोल्व करोगे तो आपको आंसर मिलेगा 2.19 इंटू 10^-11 मीटर, या फिर 21.9 पीको मीटर, पीको मतलब होता है 10^-12। ओके बच्चों, समझ में आ जाएगा, बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, पहले अल्फा पार्टिकल का मास कैलकुलेट करो, फिर डी ब्रोगली वेवलेंथ के फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर दो, सारी वैल्यू को सोल्व करेंगे तो आपको एग्जैक्टली डी ब्रोगली वेवलेंथ मिल जाएगा। क्लियर है बच्चों? चलो नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 3। वॉट विल बी द वेवलेंथ ऑफ टेनिस बॉल, टेनिस बॉल का वेवलेंथ क्या होगा ऑफ मास, उस टेनिस बॉल का मास कितना है बच्चों, 0.2 केजी यानी कि 200 ग्राम, 200 ग्राम का टेनिस का बॉल है एंड मूविंग विद ए वेलोसिटी ऑफ 20 मीटर पर सेकंड। देखो आपको वेलोसिटी भी दी गई है,
आपको मास भी दिया गया है और आपको क्या पूछा है बच्चों, लैम्डा वेवलेंथ, लैम्डा इक्वल्स टू क्या होगा, एच अपॉन, बच्चों आपके पास एच की वैल्यू है 6.625 इंटू 10 रेस टू माइनस 34, आपके पास मास है 0.2 और आपके पास स्पीड है, सभी को एमकेएस में ही रखना है तो 20 स्पीड मीटर पर सेकंड है। तो जब आपके पास सारी वैल्यूज है, तीनों की तीनों वैल्यू पुट करेंगे तो आपको लैम्डा का वैल्यू मिल जाएगा, कितना आ रहा है 1.656 इंटू 10 रेस टू माइनस 34 मीटर इन सेकंड। चेक करते हैं हम कैसे आएगा ये, वही कॉन्सेप्ट हमारा, लैम्डा इक्वल्स टू एच अपॉन एम वी, ये तो हमारा फॉर्मूला है डी ब्रॉगली का, एच की जगह एच का वैल्यू रख दिया, एम की जगह मास आपको दे रखा है 200 ग्राम या 0.2 केजी और वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकंड, उसका वैल्यू पुट किया तो आपको आंसर आ गया 1.656 इंटू 10 रेस टू माइनस 34 मीटर इनवर्स। द वैल्यू ऑफ लैम्डा इज टू लेस सो इट इज इनसिग्निफिकेंट। देखो ये इनसिग्निफिकेंट क्यों आया है, क्योंकि आपने टेनिस का बॉल लिया है जिसका वेट 200 ग्राम है, तो वो 200 ग्राम की जो बॉल है वो थोड़ी वेव पार्टिकल के जैसे बिहेव करेगी, कि वो अप एंड डाउन वेव के जैसे नेचर उसका नहीं होता है, ये केवल और केवल छोटे पार्टिकल जस्ट लाइक इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन एटम्स मॉलिक्यूल्स उनके लिए एप्लीकेबल है, ऐसे बड़े पार्टिकल के लिए एप्लीकेबल नहीं है। यहां पर ये बता रहा ना कि लैम्डा इज टू लेस मीन्स इट इज इनसिग्निफिकेंट, वो इनसिग्निफिकेंट होने का रीजन ही यही है कि आपका जो बॉल है वो कितने कितने वेट है उसका 0.2 केजी या 200 ग्राम, इतने बड़े पार्टिकल के लिए वेव नेचर नहीं होगा, उसके लिए सिग्निफिकेंट नहीं होगा लैम्डा। क्लियर है बच्चों। नेक्स्ट टॉपिक है आज का हमारा हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल भी ड्यूअल बिहेवियर को सपोर्ट करता है। पहले स्टेटमेंट देखेंगे हम, हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल का स्टेटमेंट क्या है बच्चों, द प्रिंसिपल दैट स्टेट दैट साइमल्टेनियस डिटर्मिनेशन ऑफ पोजिशन एंड मोमेंटम ऑफ ए सब एटॉमिक पार्टिकल्स लाइक इलेक्ट्रॉन इज इम्पॉसिबल। हाइजेनबर्ग साहब कहते हैं कि एक ही टाइम पे इलेक्ट्रॉन का पोजीशन और उसका मोमेंटम फाइंड करना पॉसिबल नहीं है। अब समझिए बच्चों इसको, कि जैसे मान लीजिए ये आपका न्यूक्लियस है और ये आपकी ऑर्बिट्स है, स्टेशनरी ऑर्बिट्स है जिनके अंदर की इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है, ये इलेक्ट्रॉन जो रिवॉल्व कर रहा है वी वेलोसिटी के साथ इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है, इलेक्ट्रॉन का अपना मास है राइट। अब हाइजेनबर्ग क्या कहता है कि एक टाइम पे या तो आप उसका उस इलेक्ट्रॉन का पोजीशन फाइंड कर सकते हैं या फिर उसका वेलोसिटी फाइंड कर सकते हैं, दोनों एक साथ फाइंड करने जाएंगे तो पॉसिबल नहीं है, इट इज इम्पॉसिबल। अगर आप कैलकुलेट करने जाएंगे तो उसमें जो क्या एरर्स रहेगी वो बताया है हाइजेनबर्ग ने। मैथमेटिकली हाइजेनबर्ग प्रिंसिपल कैन बी रिटन एज डेल एक्स इंटू डेल पी इज ग्रेटर देन और इक्वल टू एच अपॉन 4 पाई। डेल एक्स का मतलब क्या है बच्चों, अनसर्टेनिटी इन द मेजरमेंट ऑफ पोजिशन, पोजिशन का अनसर्टेनिटी है। डेल पी का मतलब क्या है बच्चों, अनसर्टेनिटी इन द मेजरमेंट ऑफ मोमेंटम, और एच तो हम जानते ही हैं प्लैंक्स कांस्टेंट। तो यहां पर क्या है, हाइजेनबर्ग हमें यह बताना चाहता है कि एक टाइम पे या तो आप वेलोसिटी कैलकुलेट कर लो या पोजीशन कैलकुलेट कर दो, या तो आप वेलोसिटी कैलकुलेट करो या पोजीशन कैलकुलेट करो, एक टाइम में एक ही चीज परफेक्टली कैलकुलेट कर सकते हैं, अगर दोनों चीजें परफेक्टली कैलकुलेट करने जाएंगे तो परफेक्टली कैलकुलेट नहीं होगा, इट इज टोटली इम्पॉसिबल, क्योंकि इलेक्ट्रॉन थोड़ी आपके लिए रुकेगा कि नहीं मेरा पोजीशन चेक कर रहे हैं जरा रुक जाता हूं सेल्फी ले रहे हैं, ऐसा नहीं है ना, इलेक्ट्रॉन तो कॉन्स्टेंटली रिवॉल्व करता जाएगा। तो एक टाइम में या तो उसका पोजीशन परफेक्टली पता चल सकता है या उसका वेलोसिटी परफेक्टली पता
चल सकते हैं, दोनों साइमल्टेनियसली एक साथ परफेक्टली कैलकुलेट करना इम्पॉसिबल है अकॉर्डिंग टू हाइजेनबर्ग। हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल जो हमने अभी बात की, वहां पर द अनसर्टेनिटी इन द मोमेंटम इज गिवन बाय, जो डेल पी था उसको हम ओपन करके लिख सकते हैं एम डेल वी। अब देखिए यहां पर जो मास है ना वो तो बदलता नहीं है, जो इलेक्ट्रॉन है उसका मास तो फिक्स रहता है कि 9.1 × 10⁻³⁻³ किलोग्राम इज द वेट ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो वो तो फिक्स रहने वाला है, वो तो चेंज नहीं होगा, इसीलिए वेरिएशन किसमें है डेल वी, यानी कि जो वेलोसिटी है उसमें चेंज हो सकता है। तो अब आप फॉर्मूला क्या लिख सकते हैं, डेल्टा एक्स अनसर्टेनिटी इन द पोजीशन एम इनटू डेल्टा वी अनसर्टेनिटी इन वेलोसिटी ग्रेटर देन इक्वल टू एच अपॉन 4π। बस ये एम को आप नीचे लेके आ जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा डेल एक्स डेल वी ग्रेटर देन इक्वल टू एच अपॉन 4π। डेल वी क्या है, अनसर्टेनिटी इन द मेजरमेंट ऑफ वेलोसिटी। समझ में आ गया बच्चों, इस फॉर्मूले के बेस भी आपको प्रैक्टिस करेंगे हम नेक्स्ट लेक्चर में। सिग्निफिकेंस ऑफ हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, जो हाइजेनबर्ग का अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल हम पढ़ रहे हैं ना उसका सिग्निफिकेंस की बात की गई है। तो हाइजेनबर्ग्स प्रिंसिपल विल रूल आउट द पॉसिबिलिटी ऑफ डेफिनेट पाथ ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एन एटम। हाइजेनबर्ग का जो प्रिंसिपल है वो रूल आउट कर देता है द पॉसिबिलिटी ऑफ डेफिनेट पाथ ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एन एटम, कि एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन एक पर्टिकुलर पाथ के अंदर घूमता है। द पाथ ऑफ इलेक्ट्रॉन कैन बी डिटरमाइंड ओनली इफ वी नो द पोजिशन एंड वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन एट ए गिवन इंस्टेंट टाइम, एट किसी पर्टिकुलर टाइम पर उस इलेक्ट्रॉन का पोजिशन और वेलोसिटी अगर हमें पता है तभी हम उस इलेक्ट्रॉन का पाथ बता सकते हैं, अदरवाइज नहीं बता सकते हैं। Thus the Heisenberg's principle is a major law of Bohr's theory. Niels Bohr का जो थ्योरी था उसमें एक मेजर रोल प्ले करता है Heisenberg uncertainty principle. ये unfortunately था कि Bohr थ्योरी जो है वो Heisenberg के principle को नहीं मानता था, इसीलिए हम जब Bohr का limitation पढ़ते हैं तो ये देखते हैं कि it जो नील्स बोहर का एटॉमिक थ्योरी है वो हाइजेनबर्ग के प्रिंसिपल को फॉलो नहीं कर सकता, नहीं करता है। दैट्स द बिगेस्ट लिमिटेशन ऑफ बोहर एटॉमिक थ्योरी। तो हाइजेनबर्ग प्रिंसिपल क्या है वो समझ में आ गया बच्चों। थैंक्स फॉर वॉचिंग स्टूडेंट।